हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से पूनम महाजन जी जुड़ चुकी हैं। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस पूरी चर्चा में। हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों से आपकी पार्टी के लिए अच्छी खबर आ रही है और युवा मोर्चा ने भी काफी अच्छा यहाँ पर मेहनत की थी और कार्यकर्ता आपके लगातार जमे हुए थे। क्या कहेंगी, पहली प्रतिक्रिया क्या आपकी? सबसे पहले मैं गुजरात और हिमाचल की जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में गुजरात में छठवीं बार और फिर से हिमाचल में पूरी तरह पे विश्वास रखा और इस विश्वास को खड़ा करना ये हमारा काम है और उस कर्तव्य के रूप से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। बिल्कुल, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी लगातार जो कार्यकर्ता थे वो काफी एक्टिव दिखाई पड़ रहे थे। क्या युवाओं ने भी बीजेपी का साथ दिया, इस बात को आप महसूस कर रही हैं? जी बिल्कुल, आप ये 2014 से ट्रेंड देखते आ रहे होंगे क्योंकि हर जगह युवा निर्णायक रह चुका है। अभी 2014 से हर सीटों पे, माने वो चुनाव राष्ट्रीय रूप से हो, प्रदेश के रूप से हो या वो गांव पंचायतों के चुनाव भी हो, आज युवा ही सब जगह निर्णायक है। युवा मोर्चा के रूप से गुजरात हो, हिमाचल हो, पूरे देश भर से हमारी पूरी डिसाइडेड युवा मोर्चा की टीम हर एक जिला में काम करती है, उस रूप से हर एक बूथ प्रमुख के साथ जुड़ती है और हमने यही देखा कि युवा चाहता है कि विकास है, विकास पागल नहीं हुआ है, विकास बिल्कुल सही है, विकास रास्ते पे चल रहा है, दिख रहा है और वो और विकास चाहते हैं। इस रूप से मैंने सारे युवाओं को देखा। बिल्कुल, जीत का श्रेय किसको देंगे? स्थानीय छत्रप जो आपके थे उनको जीत का श्रेय देंगी, नरेंद्र मोदी जी को देंगे या सम्मिलित प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी ने किया उसकी वजह से जीत मिली है? देखिए, हर वक्त भारतीय जनता पार्टी का विश्वास ही सम्मिलित प्रयास का होता है। वी ऑलवेज बिलीव इन कलेक्टिव लीडरशिप। आदरणीय प्रधानमंत्री खुद को हर वक्त एक कार्यकर्ता रूपी काम करते आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को तो सबसे पहले धन्यवाद, जनता को धन्यवाद और हर एक युवा मोर्चा हो या भारतीय जनता पार्टी का पन्ने पन्ने पे बूथ पे बैठा हुआ वो प्रमुख, ये सारों का सम्मिश्रण जो मिश्रण है उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिल्कुल, गुजरात में 105 रुझानों में 105 सीट इस वक्त आपको मिलती दिखाई पड़ रही है, क्या उम्मीद ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि आप लोगों ने 150 प्लस का लक्ष्य रखा था? जी उम्मीद कहीं ना कहीं जाके 10 बजे जब हमने रुझान देखे तो उम्मीद से अलग जाहिर सी बात है। यहाँ पर जो पूनम जी भी बोल रही है लगातार कि उम्मीद ज्यादा थी और मेरे ख्याल से जब उनका ये भी कहना है, पार्टी वर्कर एंड ही पुट गुजरात अबव द नेशन एंड दैट इज गुड इनफ फॉर अस, इट्स अ सिग्नल फॉर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री इन द फ्यूचर। रेणुका जी, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग। तो बिल्कुल हरीश जी, पूनम जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपने भी इनको सुना होगा, कहीं ना कहीं बोल रही थी कि युवा भी बहुत बड़ी तादाद में बीजेपी के साथ आए हैं, युवा वोटर्स का साथ मिलता है, नरेंद्र मोदी चेहरा है, युवाओं में काफी लोकप्रिय है इसलिए शायद युवा साथ देते हैं। मैं इस सवाल का जवाब इस ढंग से देना चाहूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि देश भर के लोगों का विश्वास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बना हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस तरह से उनका विजन है, जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से उन्होंने गुजरात के पूरे चुनाव की जो प्रबंधन है उसको अपने हाथ पे लेकर के उन्होंने धुआंधार रैलियां की और जिस प्रकार से कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति और कांग्रेस के द्वारा नेताओं द्वारा दिए गए वक्तव्यों को उन्होंने गुजरात की अस्मिता से जोड़कर एक स्पष्ट उत्तर दिया कि मैं ही विकास हूं, मैं ही नाम हूं, इस तरह के गुजरात की अस्मिता से जोड़े जाने के मुद्दे के बाद दूसरे चरण का चुनाव ने पूरी की पूरी रंगत बदल दी और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से तो जाता ही है लेकिन खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के उस कैडर को जाता है जिन्होंने बूथ स्तर पर काम किया। और जहां तक युवाओं का ताल्लुक है, बहुत लोग कह रहे थे कि पाटीदार समिति के साथ बहुत युवाओं का जुड़ाव है, लेकिन ठीक है, वोट की फ्लिकरिंग हो सकती है, मैं मानता हूं, क्योंकि युवाओं ने पाटीदारों का, जहां पाटीदारों का वर्चस्व रहा है वहां से कांग्रेस लाभ की स्थिति में रही है। ये वोट परसेंटेज कितना हुआ ये जब तक विवरण नहीं आता तब तक कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन ये बात जरूर है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने कैडर ने काम किया है वहां युवाओं की अपेक्षा अभी भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। जाहिर सी बात है, काफी एनर्जेटिक है नरेंद्र मोदी और कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलता है, युवाओं से कनेक्ट हो जाते हैं। लगातार पूनम जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूनम जी, युवाओं को जोड़ने के लिए आपने भी बड़ी मेहनत की और लगातार आप लोग ने भी काफी दौरा किया, युवा मोर्चा भी लगातार यहां पर लगा रहा, लेकिन गुजरात में अगर जीत मिली है तो यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया, इसका भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले भी कहना चाहती थी कि युवा क्या चाहता है। युवा चाहता है, युवा सीधा होता है, सड़कबाज होता है, वो चाहता है कि मेरा एक सपना पूरा हो, मेरा भारत आगे बढ़े, मेरा देश आगे बढ़े और उसके साथ मेरा सपना जुड़े। जब युवा ये चाहता है, वो नो नॉनसेंस एटीट्यूड रखता है युवा, क्योंकि उस होश में रहता है, उसे वो जोश चाहिए होता है। लेकिन उस युवाओं को फिर आप ऐसी राजनीति ऊंची दिखाएगी, नीच और ऊंच नीच की राजनीति, वो ये युवा नहीं चाहेगा और वो उसको रिएक्ट करेगा। जब ये ऊंच नीच की राजनीति पे राजनीति चल रही थी टीवी पे, जब बनी शंकर अय्यर जी ने कुछ बोला, तभी भी टीवी पे मैंने ये ट्वीट भी किया था कि गुजरात की जनता इसको पूरा जवाब देगी, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। जनता नहीं चाहती है नेगेटिविटी इन पॉलिटिक्स, जनता चाहती है कि हम अच्छा काम करें, अपने सपनों के साथ हर किसी के फ्यूचर के साथ जुड़ के आगे बढ़े। राहुल गांधी जी की बात कर लें तो युवा चेहरा कांग्रेस पार्टी का, हार्दिक पटेल की बात कर लें, कांग्रेस के साथ मिल गए, वो युवा महज 24 साल की उम्र। आपको क्या लगता है कि ये युवा नेता युवाओं को कनेक्ट क्यों नहीं कर पाए और नरेंद्र मोदी क्यों कर पाए? कांग्रेस की दुखद बात यह है कि उन्होंने दूसरे जातीय युवा नेतृत्व के कंधे में गन रख के, बंदूक रख के अपनी गोली चलाई, लेकिन उस गोली का कोई फायदा नहीं हुआ। और मुझे ये नहीं समझता, जो 50 साल के वो युवा, दिल से तो हर कोई हम युवा होते हैं, लेकिन आप ऐसे उम्र के तकाजे पे युवाओं, ठीक है हार्दिक पटेल युवा है मैं समझ पाती हूँ, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने युवा हैं ये मुझे नहीं पता। और इस पर टिप्पणी करने से अच्छा ये दिखता है कि सबसे पहले जनता ने जो निर्णय लिया होता है वो निर्णय सबसे अंतिम होता है, लेकिन आप जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड करोगे तो निर्णय जनता आपको बराबर से देगी, ये कांग्रेस ने देख लिया है। बिल्कुल 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 दिनेश जी, ये जो आपने पूनम जी की बात यहाँ पर सुनी है, पूनम जी साफ साफ कह रही हैं कि हार्दिक पटेल भी युवा हैं और राहुल गांधी को युवा मानने से इनकार करती हैं वो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस नहीं कनेक्ट कर पा रही युवाओं से, युवा नेताओं के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पा रही, तो इसकी वजह आपको क्या लगती है? मुझे लगता है कि लोगों ने हार्दिक पटेल को बर्दाश्त ही नहीं किया। उसके हाथ में वो मांझा लेकर तो आ गया, चल खड़ी ओबीसी वालों को पकड़ा दी, और खुद राहुल गांधी ने सोचा कुछ काम चल जाए। सबसे बड़ी बात है, जो पार्टी का सबसे बड़ा लीडर है, इतनी बड़ी 132 साल वाली पार्टी, उसको ऐसे तीन लोगों की मदद लेनी पड़ी। उसके बाद भी क्या हुआ, 37 सीटें आती हैं पटेलों के हिस्से की, जिसमें 21 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बिल्कुल। और बड़ा ताजुब ये हुआ कि जो ओबीसी लोग थे, जब उन्होंने देखा हार्दिक पटेल बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहा है, रैली कर रहा है, तो कहीं हमारे हिस्से का आरक्षण ना ले ले। अच्छा। तो अंदर अंदर वो भी कुछ फैक्टर चला जिससे राहुल गांधी की पार्टी को नुकसान हुआ। बिल्कुल हरीश जी, मैं आपसे भी ये सवाल करूंगा, क्या वाकई पार्टी, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं कि जहां पर पाटीदार निर्णायक भूमिका है वहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है, तो फायदा क्या हुआ हार्दिक पटेल का? देखिए, पाटीदारों का जो वोट शेयर है वो 15% है, लेकिन देखा ये जाना चाहिए था कि किस प्रकार के लोग पाटीदारों के भीतर भी कई तरह के समूह हैं। उनमें दो तीन धार्मिक संगठन हैं जिन्होंने हार्दिक पटेल का साथ देने से पहले से ही इनकार कर दिया था, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो जाए। अब यहाँ तक सवाल है कि हार्दिक की रैलियों में लाखों की भीड़ थी, लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। मुझे याद है आपातकाल के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने रैली की, तो रैली में बहुत लोग इकट्ठे हुए, बहुत विशाल रैली हुई, लेकिन उन्होंने अंत में ये कहा कि मैं जानती हूँ कि रैली में आई भीड़ मेरी नहीं है। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि अब की बार उन्हें वोट नहीं मिलने वाला आपातकाल के बाद, लेकिन वो अनुभवी थी। लेकिन सिवाय इसके कि शोर शराबा मचाया जाए कि हार्दिक पटेल की रैलियों में इतने लोग आए, जिग्नेश मेवानी के पीछे अल्पसंख्यक वोटों का पता नहीं कितना बड़ा भंडार है, लेकिन जहां तक वोट शेयर का सवाल है, 15% वोट शेयर में से भी शेयर बटा। मैं आपको बताऊं, जो पाटीदारों का बुजुर्ग नेतृत्व था, जो बुजुर्ग लोग थे, उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ बना हुआ था। बिल्कुल, ये सवाल मैं पूनम जी से भी करना चाहूंगा। पूनम जी, आपको क्या लगता है कि हार्दिक पटेल जी की जो रैलियां हुआ करती थी, बड़ी बड़ी भीड़ दिखाई गई, बड़े बड़े दावे किए गए, इतने लोग जुड़ रहे हैं, आपको लगता है कि हार्दिक पटेल कांग्रेस से जुड़े, इसका फायदा कांग्रेस को मिला है? हालांकि तमाम जगह है जहां पर पाटीदार जो वोटर्स हैं वो निर्णायक भूमिका में थे, वहां पर भी बीजेपी ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है।
पाटीदार वोटर्स का निर्णायक सब जगह ये विषय था, लेकिन आगे जाके हर कोई पाटीदार आप वोटर को मिलोगे। उसने ये कहा था कि दिल हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हाँ, कहीं नाराजी होगी, नहीं होगी, इसलिए संख्या भीड़ चुनाव के रैली में होती होगी, लेकिन अभी किसी ने अभी स्टूडियो में कहा और बात सच है, हर भीड़ को वोट परिवर्तन होना ये कभी होता नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट माइंड ऑफ द पीपल। जब वो तय करते हैं, वो भीड़ से या ना भीड़ से तय नहीं करते, वो तय करते हैं। और आप वो ज़मीनी हकीकत सिर्फ भीड़ से ना निकालते हो, ज़मीनी हकीकत जब आप वोटर से बात करते हैं उससे पता चलती है। वो पाटीदार हो, वो लेवा पटेल हो, वो या कड़वा पटेल हो, वो कोई और भी जाति का हो, युवा युवा होता है। जब उसको जाति में बांटा जाता है तो संख्या सुनने के लिए ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन वो साथ में आके वोट करना चाहते हैं कि वो युवा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी हमसे बातचीत करने के लिए और इस पूरी चर्चा के लिए। तो पूनम महाजन जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा की अध्यक्ष, उन्होंने भी साफ किया कि युवाओं का जो साथ है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और कहीं ना कहीं नाराजगी युवाओं के अंदर इस बात की है जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के बाहर किस तरह का यहाँ पर उत्साह दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर वहाँ पर कार्यकर्ता झूमते नाचते गाते दिखाई पड़ रहे हैं, और उत्साह इस बात का भी है क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव जो थे वो कहीं ना कहीं राजनीति की दिशा तय करने वाले थे। खासकर गुजरात की बात करें और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से रुझानों की बात करें तो सरकार बनाती पूर्ण बहुमत की दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस पीछे है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी पूर्ण बहुमत की सरकार, एग्जिट पोल के जो नतीजे आए थे लगभग वो साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि गुजरात में संख्या थोड़ी कम हुई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन हाँ, पूर्ण बहुमत के पार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में यहां पर दिखाई पड़ रही है। फिलहाल बीजेपी कार्यकर्ताओं के जानिब से दिखाई पड़ रहा है कि जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और जश्न की बात भी है क्योंकि गुजरात जिस पर सबकी नजर थी वहां पर कहीं ना कहीं जीत हासिल करती दिखाई पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी।